भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग द्वारा हुड़केश्वर पुलिस थाना हद से एक भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया गया है, जहां सेंट इग्निशियंस एजुकेशन सोसाइटी के सचिव एवं लिप्त पदाधिकारियों पर सेवानिवृत्त कर्मचारी से पेंशन लागू करने का आमिष दिखाते हुए घूस लेने का गुनाह दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि शैक्षणिक संस्था के सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों पर गुरुवार को हुड़केश्वर थाने में घूसखोरी का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों ने पेंशन लागू करने के बदले में सेवानिवृत्ति व्यक्ति से 6 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग की कार्रवाई से संस्था के पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल आरोपी विजय श्रावण पाटकर उम्र 68 सेंट इग्निशियस एजुकेशन सोसाइटी में बतौर सचिव है। संस्था के सेंट विंसेंट उच्च प्राथमिक स्कूल उदयनगर चौक में पीड़ित 62 वर्षीय व्यक्ति कार्यरत था, जो वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद भी अभी तक उसे पेंशन नहीं मिली है। उसने अदालत में याचिका भी दाखिल की है। इस बारे में वह स्कूल के पदाधिकारियों से कई बार मिला, लेकिन पेंशन देने के बदले में संस्था सचिव विजय ने उससे रिश्वत के रूप में 6 लाख रुपए मांगे थे। पीड़ित ने इसकी शिकायत स्थानीय भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग से की और 3 मार्च 2023 से 14 फरवरी 2024 के बीच जांच पड़ताल में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर गुरुवार को सचिव विजय सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि आरोपी के घर से जांच के दौरान 68 लाख रुपए मिले हैं, जिसके विषय में जानकारी दी अपर पुलिस अधीक्षक संजय पुरंदरी ने। सेंट इग्निशियस एजुकेशन सोसायटी के सचिव है विजय वाटकर, त्यांच्या शाळेमध्ये एक शिक्षक होते, ते रिटायर्ड झाले होते आणि रिटायर्ड झाल्यानंतर त्यांची पेन्शन केस क्लिअर झाली नव्हती म्हणून त्या तक्रारदारांनी हायकोर्टात केस टाकली होती की पेन्शन केस क्लिअर करावी। तर त्या केसमध्ये तक्रारदाराच्या बाजूने प्रोसेस दाखल करण्याकरता म्हणजे त्याची बाजूने रिपोर्ट देण्याकरता हे जे सचिव आहेत वाटकर यांनी 6 लाख रुपयाची त्याला मागणी केली। मागणी केल्यानंतर मग आपण कंटिन्यू टीमने पाठपुरावा केला, पण जोपर्यंत कोर्टातून हे लागत नाही तोपर्यंत नाही, नंतर मी पैसे घेऊन तुमचं काम करून देईन अशी त्याची मागणी कायम राहिली। आणि ते कोर्टातून इतक्या लवकर लागणं शक्य नव्हतं म्हणून त्यांच्याविरुद्ध आता 6 लाख रुपये लाच मागणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, त्यांना कोर्टात प्रोड्यूस करण्यात आलेलं आहे। त्यांच्या घरजडतीमध्येही मोठी अमाऊंट रिकवर झालेली आहे, तर त्याच्याबद्दल वेगळा तपास मालमत्तेबाबत अजून सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।